महात्मा नाम, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही कहते भी हैं और करते भी हैं। यही एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर एक साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर एक दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर एक शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था। वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधोराव जी ने जिस भारतीय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी वो आज भी दिल्ली में DTC के रूप में चल रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर भी उनका उतना ही ध्यान था। उन्होंने उस कालखंड में पानी के लिए, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी। ये जो हर्षी डैम है वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है। ये डैम आज भी लोगों के काम आ रहा है। माधोराव जी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूरदृष्टि सीखने योग्य है। एजुकेशन हो, करियर हो, जीवन हो या फिर पॉलिटिक्स, शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। साथियों, साल 2014 में जब देश ने मुझे ये प्रधान सेवक का दायित्व दिया तो मेरे सामने भी दो ऑप्शन थे, या तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम करें या फिर लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाएं। हमने तय किया कि हम 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे अलग अलग टाइम बैंड रखकर इनके लिए काम करेंगे। आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में
देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन दी जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया। 40 साल से डिमांड हो रही थी कि जीएसटी को लागू करना है, ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की डिमांड कर रही थी, 3 तलाक के खिलाफ कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना। आपने देखा होगा अभी कुछ सप्ताह पहले ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन का कानून बनाया गया है, ये काम भी दशकों से पेंडिंग था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। मेरे पास कामों की इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरी रात बीत जाएगी। ये तो कुछ बड़े फैसले मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर हमारी सरकार ये फैसले नहीं लेती तो इसका बोझ किस पर ट्रांसफर होता? अगर हम ये नहीं करते तो कैरी फॉरवर्ड कहां होता? आपकी जनरेशन पर होता। तो मैंने आपकी जनरेशन का कुछ बोझ हल्का कर दिया है। और मेरी कोशिश यही है कि आज की यंग जनरेशन के लिए देश में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना हो, एक ऐसा माहौल जिसमें भारत का युवा बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सिंधिया स्कूल अपने 150 साल पूरे करेगा, एक अहम माइलस्टोन पर होगा। ये माइलस्टोन होगा भारत की आजादी के 100 साल। आज हमने संकल्प लिया है कि इन अगले 25 सालों में देश को विकसित बनाकर दिखाएंगे और ये आपको करना है, भारत की यंग जनरेशन को करना है। मेरा विश्वास है, आप युवाओं पर मेरा विश्वास है, आप युवाओं के सामर्थ्य पर मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप इस सपनों को संजो करके काम करेंगे, सपने संकल्प में बदलेंगे और संकल्प को सिद्धि प्राप्त करने तक रुकेंगे नहीं। अगले 25 साल आपकी लाइफ के लिए जितने जरूरी है उतने ही भारत के लिए भी जरूरी है।
सिंधिया स्कूल के हर स्टूडेंट का ये संकल्प होना चाहिए, मैं बनाऊंगा विकसित भारत। साथियों, करोगे ना, करोगे ना? मैं नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हर काम करूंगा, मैं इनोवेट करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहूं या फिर किसी भी प्लेस में, मैं भारत को विकसित बनाकर ही रहूंगा। और साथियों, जानते हैं, मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीदर जी, अभी जिन्होंने यहां शानदार प्रस्तुति दी, मित ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान, और मेरे मित्र नितिन मुकेश भी यहां बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं। मेरे युवा साथियों, विष्णु पुराण में लिखा है, गायंती देवाः किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली है। आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में भारत की धाक, जमी हुई है। तेईस अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। अभी G20 में भी आपने देखा कैसे भारत का परचम लहराया। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दुनिया में नंबर वन है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में नंबर वन है। आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह ही आपने देखा है कि गगनयान की टेस्ट फ्लाइट और क्रू एस्केप सिस्टम का कैसे सफल परीक्षण किया गया है। ग्वालियर में तो
एयरफोर्स का इतना बड़ा बेस है, आपने आसमान में तेजस की उड़ान देखी है, आपने समंदर में INS विक्रांत की हुंकार देखी है, आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हर सेक्टर में आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज बना रहा है। आप सोचिए, साल 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज भारत में स्टार्टअप्स का आंकड़ा 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। बीते कुछ सालों में भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। आप लोग भी जानते हैं कि एक यूनिकॉर्न मतलब कम से कम 8,000 करोड़ रुपए के कंपनी। सिंधिया स्कूल के विद्यार्थियों को भी यहां से जाने के बाद यूनिकॉर्न्स बनाने हैं, अपने स्कूल और देश का नाम रोशन करना है। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, और सरकार के तौर पर हमने भी आपके लिए नए नए सेक्टर्स ओपन कर दिए हैं। पहले सैटेलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी, हमने स्पेस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए उसे भी ओपन कर दिया है। हमने डिफेंस इक्विपमेंट भी या तो सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी, हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया। ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी। इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है, और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। साथियों, यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेस के नाम देख रहा था, और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे, स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महाजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, निमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला,
आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं, वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है, आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन, मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर वन हो, अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता। आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट, जितना हो सके पहले अपना देश देखिए, अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए, ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए, इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है, इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नौवां, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है, इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज नमो ऐप पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं व्हाट्सएप पर भी हूं, वहां से आपसे कनेक्ट हो सकता हूं।
आप चाहे तो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साथियों, जीवन ऐसे ही हंसी मजाक में चलते रहना चाहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है बल्कि एक विरासत है। महाराज माधवराव जी के संकल्पों को स्कूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है। अब इसकी ध्वजा आपके पास है। थोड़ी देर पहले जिन युवा साथियों को पुरस्कृत किया गया है, मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं। एक बार फिर सिंधिया स्कूल को और सभी युवा साथियों को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।